हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आपसे स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सैड सॉन्ग का यहाँ पर पोस्टर बनाया है और पूरा फुल HD में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का पोस्टर आप भी बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपको इसका प्रोफाइल भी मिल जाएगा और साथ में इसमें जो फंड यूज किया है ये फंड भी आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये फंड भी मिल जाएगा। तो फंड कैसे मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको फंड भी मिल जाएगा, क्योंकि फंड में भी इसमें जो पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड भी आपको बताऊंगा और उसको लिंक कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो PL फाइल का लिंक रहेगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर इसका PL फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और PL फाइल का पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से मतलब आपको ये फंड मिलेगा और किस तरह से आपको पिक्सल मतलब इसका जो PL फाइल है वो डाउनलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसे वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या, आपको इसका PL फाइल डाउनलोड कर लेना है। PL फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, उस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस तरह से मतलब इसको डाउनलोड करना है और आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डाउनलोड करने में दोस्तों इसको अनजिप कर लेना। अनजिप करने में दोस्तों पिक्सल में कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे पिक्सल एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करने में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ओपन डॉट PL फाइल लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे .PLP लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फोल्डर शो करने का, तो आपको तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आएंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का फोल्डर दिख जाएगा, टिलना लगे जब इस फाइल को अनजिप कर लेंगे उसके बाद इस तरह का फोल्डर आपको दिख जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको PL फाइल शो कर देना है, इसके ऊपर टच करके ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखते PL फाइल पूरा ऐड हो चुका है। अब आप इसमें फोटो चेंज करना रहे तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे फोटो को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से जो फोटो मैंने इसमें लगाया है इस फोटो को आपको इस तरह से रिमूव कर लेना है। दूसरा कोई फोटो लगाना चाहते हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और जो भी फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से कोई फोटो सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से मतलब आपको ऐड करते हैं। ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके टू बैक पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे उसको दोस्तों इसको हम यहाँ से उंगली से दबा के रखेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखते हैं फोटो यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है तो नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जितना मतलब ये सब लगाया है तो इसको आपको यहाँ पे लॉक कर लेना है इस तरह से। इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे तो आपको मतलब आप यहाँ से इस तरह से हमने सबको लॉक कर देना है। यहाँ पे जितना भी हमने इस पे यूज किया है वो सबको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे जो नाम लिखा है वो नाम को आपको लॉक हटा लेना है। इस तरह से नाम जो लिखा है इसका लॉक हटा लेना है, फिर नाम आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम आपको इस तरह से लिख लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया तो यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे नाम लिख दिया तो इस तरह से गोलू राज लिख दिया और यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से नाम लिख के उसको यहाँ पे क्लिक करके और इसके मदद से आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया इस तरह से नाम को आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एल्बम का नाम लिखा है वो भी आपको लिखना है तो आपको उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पे इसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस फंड को आपको डाउनलोड कर लेना है। फंड का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने इस फंड को ऐड कर दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पर जाता हूँ, यहाँ से मैं अपना नेट चालू कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जाता हूँ, यहाँ पे टेलीग्राम ओपन कर लेना है। टेलीग्राम पे सर्च में आना है, सर्च में आने में दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है @ लिख देना है और उसके बाद दोस्तों अमानत इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए अमानत इस तरह से लिखना है अमानत और यहाँ पे डे लिख देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये फंड इसी तरह का फंड आपको यहाँ पे इसके नीचे आपको शो करेगा। आप उस फंड को जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी फंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस फंड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला जो वीडियो इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो इसमें इस फंड का पासवर्ड आपको मिल जाएगा
और इस वीडियो को भी जाकर देखो, इस फंड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंड है भी है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा मैं आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, इसका जो पासवर्ड रहेगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पासवर्ड रहेगा न्यू डीजी फंड। आपको किस तरह से लिखना है आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, इस तरह से लिखना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखना है आपको न्यू डीजी फंड, इस तरह से आपको लिखना है। देख सेम इसी तरह से आप लिखेंगे तो फाइल अनजिप हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इसी तरह से सेम लिखना है और यही पासवर्ड आपको पीएलपी फाइल में यूज करेंगे तो आपका पीएलपी फाइल भी ओपन हो जाएगा। और उसको दोस्तों यहाँ से देखिए, फर्स्ट में आपको बड़ा लेटर लिखना है, उसके बाद इस तरह से करके आप करेंगे तो आपका फंड जो आपका जो पीएलपी फाइल का जी फाइल रहेगा वो ओपन हो जाएगा और साथ में आपको फंड का भी जी फाइल ओपन हो जाएगा, सेम यही पासवर्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से पिक्सेल एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एल्बम को नाम जो डिजाइन करना है तो आपको उसके लिए यूनिकोड बेड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, तो यूनिकोड बेड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस फंड को ऐड करके रखा है, यहाँ पे देखते हैं इसके लिए आपको ऐड करने के लिए आपको यूनिकोड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का आपको फोल्डर दिखेगा, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए न्यू इस तरह से मैंने इस फोल्डर का नाम जो दिया है यहाँ पे देखिए न्यू डीजी फंड, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसको जैसे एल्बम का नाम लिखना है तो एल्बम का नाम हम देख लेते हैं, यहाँ पे एल्बम का नाम यहाँ पे जो भी था मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते दिल ना लगे पढ़ाई में, तो हम इसी तरह से आपको एल्बम का नाम लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ये दे देंगे फिर यहाँ से और यहाँ से दौ दे देंगे फिर लॉ लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे फिर ना लिखेंगे, ना यहाँ से नो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ना आपको मिल गया, फिर यहाँ पे दिल ना लगे ला लेंगे और यहाँ से गौ ले लेंगे, यहाँ पे गौ है और इसके और यहाँ पे मंत्रा दे देंगे, यहाँ पे दिल ना लगे यहाँ से दे देंगे और फिर यहाँ से स्पेस दे देंगे दिल ना लगे और यहाँ से पौ ले लेंगे, फिर यहाँ पे ढे ले लेंगे, फिर ड ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे और फिर ई ले लेंगे, फिर इस पर ई का ये मंत्र दे देंगे पढ़ाई और यहाँ पे म ले लेंगे म में, फिर आ का मंत्र दे देंगे, फिर इस तरह से इस यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने से फिर यहाँ पे आ जाएंगे और इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे रिमूव कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, फिर हम यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने में दोस्तों ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो फंड वाला ऑप्शन में आ जाना है और माई फंड में आना है, माई फंड में आने के बाद दोस्तों इस फंड को आपको सिलेक्ट कर दे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इस तरह का आपको फोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा न्यू डीजी फंड, इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में आपको ये दिखेगा फोल्डर, तो आपको ऐड सेलेक्ट पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है, जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, फंड पे क्लिक करना है, फिर से आप माई फंड में आना है, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ फंड शो हो गया होगा तो आपको यहाँ पे देख लेना ये वाला फंड है इस तरह से, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे स्पेस दे देंगे दोनों साइड, और यहाँ से क्या करेंगे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इतना कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से कट करके यहाँ पे ओके कर देंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा सा स्टेपर कर लेंगे और इसका जो साइज है थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या कर कॉपी कर लेते हैं, फिर एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके फिर इतना हम कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको इसका जो साइज है हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे बड़ा कर लेंगे इस तरह से बड़ा कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे एडिट पे क्लिक कर, यहाँ से कॉपी कर ले एडिट पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इतना हम यहाँ से कट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसको एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देंगे, फिर इसको हम यहाँ पे इसका जो साइज है यहाँ पे बड़ा कर लेंगे इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका जो कलर है हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे शैडो दे देंगे ब्लैक कलर का और यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, और फिर ऊपर में है तो ऊपर में भी आपको इस तरह से शैडो दे देना है ब्लैक कलर का और इसको इनेबल कर देना है, इसमें भी आपको इस तरह से ब्लैक कलर का शैडो दे देना है और इसको इनेबल कर देना है, फिर इसमें भी आपको इसी तरह से शैडो दे देना है और इसको इनेबल कर लेना है, इस तरह से इनेबल करके आपको इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, फिर तीनों को एक साथ मर्ज कर लेना है, इस तरह से आपको एक साथ मर्ज कर लेना है,
इस तरह से मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद इसको अब छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे छोटा कर लिया। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और एक PNG आपको ऐड कर लेना है। हम यहाँ पे वो PNG देख लेते हैं पिक्सल में रहेगा, उस PNG को भी हम ऐड करके आपके यहाँ पे दिखा देते हैं। ये वाला PNG है, तो इस PNG को हम यहाँ पे इस तरह से करके ऐड कर लेंगे इस तरह से, और इसको टू बैक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ले लेंगे, इसके पीछे ले लेंगे और इसका जो कलर है वो कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। इस तरह से अपने हिसाब से जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पे इस तरह से चेंज करके इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करके इसको सेव टू गैलरी में इसको सेव कर लेना है। इस तरह से सेव कर लेना है। सेव करने पर दोस्तों कि HD में करना चाहते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।